हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों को एमके एएलएससी एजुकेशनल ग्रुप के लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो जो साथी इस समय हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वह सभी साथी इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो साथी यदि किसी कारणवश व्यस्त हैं, तो यदि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो उनको व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप के माध्यम से हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और वह भी हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़ जाएं। तो चलिए गाइस, जल्दी से एक बार इसे शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। तो मैं जल्दी ही क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए गाइज, क्लास आपका स्टार्ट किया जाता है। हमारे आज के सेशन में पूछा गया पहला सवाल है, और आज का सेशन आप लोगों के लिए और भी खास रहने वाला है, क्योंकि जो आप बोर्ड के ऊपर जो लिखे हुए क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है जो एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होता है एग्जाम में। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है आज के सेशन के पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात है जो 1:2 है, तथा यही अनुपात है जो उत्तरी गोलार्ध में है जो 3:4 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात बताएं। और आप लोगों को पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यह हमारा मान लीजिए कि पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर है जो पानी और जमीन का अनुपात कितना दिया है, जमीन और पानी का अनुपात दिया है तो 1:2 दिया है। हम नहीं कह रहे हैं बल्कि क्वेश्चन कह रहा है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उत्तरी गोलार्ध यदि हम बीच से इस तरह से लाइन डाल दें तो यह हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में है जो जमीन और पानी का अनुपात 3:4 है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट को समझना होगा। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कम समय में इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, बस जो लॉन्ग होता है उसे शॉर्ट तरीके से प्रोसेस वाइज करके यदि हम उसे सही कर दें तो वह हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को पता हो जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बनता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, और यही हमारा शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। तो क्या कह रहा है कि जमीन और पानी, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, तो पूरी पृथ्वी पर जमीन 1:2 में है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि उत्तरी हेमिस्फीयर में कितना है, तो 3:4 है। यदि हम पूरे पृथ्वी को यहां पर माने तो हमारा यह पूरा पृथ्वी है, यानी कि जो हम इसे ऐड कर लेंगे दोनों रेशियो को तो हमारा 3 आएगा, और यहां हमारा कितना आएगा, तो यह हमारा 7 आ जाएगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का यदि हम दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा, और पूरी पृथ्वी में पानी और जमीन को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यह समझ में आ रहा है पृथ्वी बड़ा है या पृथ्वी में जो उत्तरी गोलार्ध है वो बड़ा है, तो आप लोग पाएंगे कि पूरी पृथ्वी ही बड़ा है। तो पूरी पृथ्वी बड़ा है तो हमें पृथ्वी का यहाँ जो मान आ रहा है पूरा पृथ्वी का वह कम है, और उत्तरी गोलार्ध का मान है जो ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो पृथ्वी को ही बड़ा करेंगे। तो पृथ्वी को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा पृथ्वी बड़ा हुआ या बराबर हुआ। तो हमें तो पता चल जाता है कि पृथ्वी तो बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जमीन और पानी का अनुपात है दोनों का संयुक्त रूप से जो हमारा मिक्सचर है वह बराबर हो गया है। अब आपको पता यह है कि यह हमारा पृथ्वी है,
तो पृथ्वी है और इसको दो पार्ट में बांटा जा रहा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो दो गोलार्ध मिलकर हमारा एक पूरा पृथ्वी बन रहा है। तो यदि हम इसमें दो से गुना कर दें और इसमें एक से गुना कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि एक ही गोलार्ध का हमें मान दिया है। तो अब हम यहां से क्या कर लेंगे, तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये होगा 14, कितना हो जाएगा तो 14, और यहां भी हमें 14 से गुना करना होगा और यहां भी हमें 14 से गुना करना होगा। तो हमारा यहाँ कितना होगा तो 28 हो जाएगा, नया रेशियो निकल कर आएगा। उत्तरी गोलार्ध में कितना आएगा तो हमारा ए हो जाएगा 3, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में 3 आ जाएगा जमीन, और यह कितना है तो 12, यानी कि 12 यूनिट में हमारा किसका मान आएगा तो पानी का मान आएगा उत्तरी गोलार्ध में। अब हम इसको यदि घटा लेंगे पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का मान घटा लेंगे तो हमारा मान यहाँ निकल के आ जाएगा कितना, तो हमारा यहाँ मान आएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 16, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की जो बात कर रहा है उसमें जमीन और पानी का अनुपात कितना है तो वह है 5:16। तो यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा, तो सभी साथियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो लिंक को यानी कि इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो साथी हमारा रेशियो से संबंधित पार्ट वन क्लास नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो से संबंधित हमारे पार्ट वन क्लास को कर सकते हैं और देख सकते हैं। और अब जल्द ही आप लोगों के लिए समा अनुपात यानी कि प्रोपोर्शनल चालू होने वाला है, तो अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर है जो बी सही है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी के आय का अनुपात है, यहाँ क्या दे रहा है तो ए बी और सी के आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात दिया है, कितना कितना दिया है तो 3 दिया है, 7 दिया है और 4 दिया है। और क्या कर रहा है, उनके खर्चों का भी अनुपात दे दिया है, यानी कि एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है, तो खर्च कितना है तो 4 है, 3 यूनिट है और 5 यूनिट है। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए बचत यानी कि ए की बचत उसकी आय का 1/8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का बचत यानी कि ए सेविंग कर रहा है कितना, ए का सेविंग कितना है तो 1/8 है, किसका है तो बचत, यानी कि यहाँ क्या दे रखा है तो बचत का अनुपात पूछ रहा है, तो उनकी बचत क्या होगा, यानी ए की बचत उसकी आय यानी कि इनकम यहाँ दे रखा है, इनकम है यानी कि ए का जो सेविंग है 1/8 इनकम के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यदि हम सेविंग बटा इनकम कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यानी कि कुल आय आ जाएगा। तो टोटल आय हमारा कितना यहाँ दे रखा है यानी कि हम कर लेते हैं इनकम, तो हमारा सेविंग कितना है तो 1 रुपया है और आय कितना है तो 8 रुपया है। 8 रुपया में से हम 1 रुपया जो सेविंग कर रहे हैं यानी कि बचा रहे हैं, तो हमारा खर्च कितना हो रहा है तो खर्च हो रहा है 7 रुपया। इस बात को समझिएगा, तो कैसे होगा यानी कि जब हमारा इनकम ज्यादा होगा तो खर्च भी ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगा तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ हमारा सेविंग यानी कि इनकम क्या कर रहा है, तो इनकम 8 रुपया है, लेकिन यहाँ में इनकम क्या दे रखा है यूनिट में तो 3 यूनिट दिया है, तो हम 8 से गुना कर दें, यानी कि पहले की बात कर रहा है कि पहले जब वह 8 रुपया कमाता था तो बस 3 यूनिट में था, यानी 3 यूनिट के मान है जो 8 के बराबर था, हम इसे गुना में लिख लेंगे इस तरह से। तो जब 8 ए का मान आया तो सभी में हम 8 से गुना कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जब वह 8 रुपया कमाता था तब 3 यूनिट है जो धन कमाता था, लेकिन खर्च कितना करता था पहले तो 4 यूनिट यानी कि कितना कर रहा था तो 4 रुपया कर रहा था क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम यहां भी 4 से गुना कर लेंगे और इसमें भी 4 से गुना कर लेंगे। अब हमें क्या पता चला कि जब उसका इनकम बढ़ा है तो खर्च भी बढ़ा है, तो खर्च बढ़ा है तो क्या करा, उनकी बचत का अनुपात क्या होगा। तो आप यह बताइए कि जब वह 8 रुपया कमा रहा था और 1 रुपया बचा रहा था तो 7 रुपया खर्च कर रहा था, तो कितना पहले खर्च कर रहा था तो पहले 7 रुपया खर्च कर रहा था, लेकिन कितना यूनिट यानी कि कितना यूनिट धन कमा रहा था तो वह 3 यूनिट धन कमा रहा था। तो
तो जब हम यहाँ 7 यानी कि 7 रुपया पहले खर्च कर रहा था और 3 यूनिट धन कमा रहा था और उसका टोटल खर्च कितना था, तो 4 रुपया था पहले, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ भी 7 × 3 कर लेंगे और यहाँ भी 7 × 3 कर लेंगे। अब हमें यहाँ से एक नया रेशियो निकल कर आएगा, तो हमारा ये कितना होगा, तो यह हमारा यहाँ से जो मान आएगा 96 होगा, यानी 8 × 4 = 32, 32 × 3 कितना होता है, तो 96 होता है, यानी कि 8 × 4 = 32 और 32 × 7 कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा, यानी कि 32 × 4 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, तो 7 × 14 = 4 और 27 = 21 और 21 हो जाएगा हमारा और 22 यानी कि 224 हो जाएगा, और यहाँ यदि करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। यह हमारा है जो बाद का रेशियो निकल के आया है। उसी तरह से बाद का है जो खर्च निकल कर हमारा कितना आएगा, तो हमारा बाद का जो खर्च निकल कर आएगा वह कितना आएगा, तो 21 कितना होगा, 21 कितना होता है, तो 21 = 84 होता है, यानी कि पहले जब वह 96 रुपया कमा रहा था तो 84 रुपया खर्च कर दे रहा था। इस तरह से हमारा 21 कितना होगा, तो 63 होगा और 21 × 5 कितना होता है, तो 21 × 5 = 75 से होता है, यानी कि 105 होगा। तो अब बताइए कि पहले वह 96 रुपया कमा रहा था, ए, बी है जो 224 रुपया कमा रहा था और सी है जो 128 रुपया कमा रहा था, तो ए का खर्च कितना था, तो 84 रुपया था, बी का 63 रुपया था और सी का है जो 105 रुपया था। अब हम इसे घटा लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी कि नेट इनकम यानी कि कुल इनकम में से यानी कि कुल खर्च को घटा लेंगे तो हमारा क्या बच के आएगा, तो हमारा सेविंग बच के आएगा, यानी कि बचत बच के आएगा, तो हमारा कितना ये हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 और 1 = 12, यहाँ पर यदि घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी 1 × 10 और 10 × 4 = 14, 14 में से 3 गया तो यहाँ हमारा 1 बच जाएगा और 22 में से 6 गया तो हमारा कितना आएगा बच के, तो 22 में से यदि हम 6 को घटा लेते हैं तो हमारा 16 आएगा, यानी कि 161 आ जाएगा और ये हमारा कितना आएगा, तो यह हमारा आ जाएगा 23। तो यानी कि जो उसका सेविंग है, अब का सेविंग है वह कितना है, तो 12 / 161 / 23, यानी कि हमारा इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है ए की बचत उसकी आय का 1/8 है, यानी कि ए सेविंग करता है कितना, तो आय का 1/8 करता है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, तो सेविंग बटा इनकम कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ए 8 रुपया कमाता है उसमें से 1 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 7 रुपया कर रहा है। अब हमने क्वेश्चन पर यहाँ आया तो हमें पता चला कि वो 8 रुपया कमाता है लेकिन कितने यूनिट में कमाता, तो 3 यूनिट के बराबर है जो उसका 8 रुपया, तो हमने टोटल मान निकालने के लिए क्या किया, तो गुणा कर दिया यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल मान तो हमारा कहां से निकलेगा, तो इनकम और सेविंग का निकला, लेकिन खर्च का तो मान हमने नहीं निकाला था, तो खर्च को भी गुना कर दिया तो हमारा टोटल मान आ गया। इस तरह से हमने 8 × 4 यानी कि 32 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो को जरूर देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है कि 9,900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से का 2/7 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि ए बी सी है, ए बी सी में क्या कह रहा है, इस प्रकार 9,900 रुपये को बांटा जाता है कि बी का हिस्सा यानी कि बी का जो हिस्सा है वो क्या कह रहा है, तो ए प्लस सी के संयुक्त हिस्से के बराबर 2/7 है, यानी कि B 2 यूनिट है तो हमारा A प्लस सी कितना है, तो 7 यूनिट के बराबर है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि C का हिस्सा यानी कि C की बात कर रहा है और C अनुपात क्या दे रहा है, तो C का जो हिस्सा है वह क्या कह रहा है, A प्लस बी के संयुक्त हिस्से के बराबर है, तो हम यहाँ पर A प्लस बी लिख लिए। संयुक्त हिस्से का 3/8 है यानी कि C 3 है तो हमारा A प्लस बी कितना है, तो 8 है। हमने इस तरह से क्वेश्चन को लिख लिया है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसे हमने लिख लिया है। अब आपको यहाँ से एक चीज
स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें भी ए बी सी शामिल है और इसमें भी ए बी शामिल है। जब दोनों में ही ए बी शामिल है तो यहां से एक चीज और स्पष्ट निकल के आ रहा है कि टोटल इनकम कितना है इसका भी, तो 9,900 रुपया, और इसका भी इनकम कितना है क्योंकि तीनों का इनकम हमें दे रखा है 9,900 रुपया। और यहां से ए बी सी का इनकम है जो 9,900 रुपया, यहां से भी ए बी सी का इनकम है जो 9,900 रुपया, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बी और बी है जो ए और सी के संयुक्त हिस्से का 2/7 है, यानी कि 2:7 में है। तो यदि हम ए बी सी में यदि बी का हम यहाँ से मान निकालें तो हमारा कितना आएगा, तो यदि दोनों को जोड़ लें तो हमारा 9 यूनिट है, और 9 यूनिट बराबर कितना दिया है 9,900, यानी एक यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो एक यूनिट का मान होगा 1100 रुपया। तो बी का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो बी का मान होगा 1100 × 2 यानी कि 2200 रुपया हमारा हो जाएगा। अब यदि हम यहां से सी का मान निकालेंगे, यहां से हमारा बी का मान निकल गया है, अब हम यहां से सी का मान निकाल लेंगे तो 8×3 कितना होता है, तो 11 बराबर दिया है 9,900, तो 1 बराबर आ जाएगा 900 रुपया। तो हमारा सी कितना है, तो 3×900 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2700 रुपया है जो सी का मान है। अब आपको ये पता चल गया कि बी का है जो 9,900 रुपया में से 2200 रुपया हिस्सा है, और जो सी का है वह 9,900 रुपया में से 2700 रुपया हिस्सा है। तो दोनों को जब हिस्सा को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 0,0,7×9 और 1,4 यानी कि 4900 रुपया हो गया। किसका हो गया, तो बी और सी का हो गया। तो अब ए का हिस्सा निकालना है तो टोटल खर्च में से, यानी कि टोटल हमारा है 9,900, और 9,900 में से यदि हम 4900 को घटा लेते हैं तो हमारा ए का मान निकल कर आ जाएगा कितना, तो 5,000 रुपया आ जाएगा। तो हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सी सही है, बिल्कुल ही सही है। तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से ले सकते हैं, और आप लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन का है जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों आप लोग हैं जो इस वीडियो को कम से कम शेयर करते हैं, और हमारा कहना है कि आप सभी साथियों हैं जो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे लाइव सेशन में से आप जुड़े हुए हैं ऐसा कभी मत समझिए कि आप हैं जो ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हैं। आपको सारे मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाती है। एक कंपनी है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, कि एक कंपनी में है जो कर्मचारियों की संख्या है जो 5:4 के अनुपात में है, कर्मचारी की संख्या कितना है, तो 5:4 में है, और कह रहा है क्या कि उनके अनुपात में कमी हो जाती है, यानी कर्मचारी के जो कंपनी है उसमें एक बैक है जो कर्मचारी की संख्या में कमी हो जाती है 5:4 में, तथा उनकी व्यक्तिगत आय यानी कि आय की बात कर रहा है, तो आय क्या हुआ, तो आय कितना बढ़ जा रहा है, तो 3:5 यानी कि 3:5 में बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि कंपनी को 20,000 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी कि खर्च है कंपनी का जो 20,000 रुपया बढ़ जाता है, किसके वजह से, तो यह जो व्यक्तिगत आय है जो 3:5 के अनुपात में हो गया है इसकी वजह से। तो अब बताइए कि यदि हम टोटल आय की बात करें कि कंपनी है कि कंपनी में एक आदमी को कितना रुपया दिया जा रहा है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे, तो हमारा आएगा 15 और यहाँ हमारा आएगा 20, यानी हम 5 से काटें तो हमारा 1 आएगा और हमारा 1 आ जाएगा, सॉरी हमारा ये 3 आएगा और यह हमारा 4 आएगा, और दोनों का डिफरेंस जो हमारा 1 निकल कर आएगा, यानी कि 1:1 का मान है वह कितने के बराबर है, तो 20,000 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 1:1 का मान, तो वह हमारा 20,000 रुपये के बराबर आया। कैसे आया, तो हमने उसका पहले यानी कि पहले जो कर्मचारी था उसका वेतन कितना खर्च हो रहा था, और बाद में जो कर्मचारी है उसका वेतन कितना खर्च हो रहा था, कंपनी को कितना देना पड़ रहा था, इसको हमने देखा, और जब दोनों में अंतर किया तो हमें पता चला क्या कि
एक आदमी को है यानी एक कर्मचारी को है जो कंपनी को 20,000 रुपया देना पड़ रहा है। अब एक आदमी को 20,000 रुपया देना पड़ रहा है तो हमारा नया रेशियो कितना निकल कर आया है, तो नया रेशियो 3:4 में आया है। तो 3 गुना यदि 20,000 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 60,000 रुपया आ जाएगा। अब यह जो 60,000 रुपया आया यह कंपनी का पहले का खर्च था। किसका था, तो पहले का खर्च था। क्यों कि पहले था तब 5 आदमी था लेकिन हम उसको 3,000 रुपया देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 4 आदमी है कंपनी में तो 55,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो कितना देना पड़ रहा है, तो 20,000 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कि हम इस तरह से समझेंगे तो हमें कितना है, तो 60,000 रुपया है पहले का खर्च है। और पूछ रहा है क्या हमसे, तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक खर्च क्या होगा, तो हमारा 60,000 होगा। और पूछेगा कि बाद का खर्च क्या होगा, तो बाद का खर्च हमारा कितना यहाँ आया है, कितना रेशियो में आया है, तो 4:4 में यानी कि 4 गुना 20,000 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 80,000 रुपया है जो बाद का खर्च है। यानी कि 20,000 रुपया का आप यहाँ डिफरेंस पा रहे हैं। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया है, तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से इसे ले सकते हैं। और जो साथी हमारे साथ प्रतिदिन करेंट अफेयर का लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी साथियों गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो गरीबपुर कोचिंग सेंटर है यह आपका अपना नज़दीकी शहर मसौढ़ी में 11 अक्टूबर से ओपनिंग किया जा रहा है सभी बैच को। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन संस्थान से वह जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है जो मैं आपको सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे शेयर कर दें सभी साथियों। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है, ए है और बी है, इसका आय का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। किसका है, किस चीज का है, तो आय का अनुपात दिया है तथा ए और बी के खर्चों का अनुपात भी दे रखा है। खर्चों का अनुपात भी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 2:3 है। यदि ए की बचत 5,000 रुपया है, ए का बचत कितना है, तो 5,000 रुपया है, और बी की बचत 2,000 रुपया है। यानी कि बचत यदि हम लिख लेंगे कितना है, ए का बचत तो 5,000 रुपया है और बी की बचत कितना है, तो 2,000 रुपया है। तो इसके व्यक्तिगत आय को बताएं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस उसके आय को लिख देना है। क्या करना है, तो उसके आय को यहाँ पर लिख देना है। अब आय को लिख लिए हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यानी कि हमारा ए का आय कितना होगा, तो 9 होगा, और बी का आय कितना होगा, तो 8 होगा। बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ। यदि आप लोग इसे एक बार में सीख जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि किसी भी टाइप का, इस तरह टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन रहे उसे आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अब पहले है जो ए का आय था वह 9 रुपया था और बी का आय था जो 8 रुपया था। अब हम यहाँ पर खर्चों की बात कर लेते हैं, तो हम इसको भी इस तरह से गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो इसे भी हम यहाँ इस तरह से गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो ए का कितना आ जाएगा, तो ए का है जो इनकम है कितना है, तो हमारा हो जाएगा 15,000, और बी का कितना होगा, तो हमारा 4,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे तो कर लिए हैं लेकिन आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, तो डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो 1 रुपया यानी 1 यूनिट का आ रहा है। और यहाँ डिफरेंस यदि आप निकालिएगा तो यहाँ आपका डिफरेंस है जो कितने के बराबर आ रहा है, तो 11,000 के बराबर आ रहा है। तो 1 बराबर कितना आ रहा है, तो हमारा 11,000 रुपया आ रहा है। और पूछ रहा है क्या, तो हमारा पूछ रहा है कि व्यक्तिगत आय बताएं, यानी ए और बी का है जो व्यक्तिगत आय क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले उसका आय कितना था, 3 यूनिट था, तो हम 11,000 में यदि 3 से गुना कर दें, 3 गुना 11,000, तो हमारा आ जाएगा 1 का 33,000। और इसी तरह से बी के यदि बात की कर रहा है
तो बी का कितना हो जाएगा, तो 44,000 रुपया हो जाएगा। आई होप कि आप सभी साथियों को इतनी बात क्लियर है, तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दें और इसे जल्दी से अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मैं एक अच्छा जानकारी दे पाया हूं, और वैसे आज मैं टाइप को लेकर आया था जो आपको डायरेक्ट हैं, जो एग्जाम में हिट करेंगे। तो आप सभी साथियों इसे एक बार जरूर शेयर कर दें, और बस आज के लिए इतना ही। फिर हम अपने अगले क्लास में आप लोगों से लाइव क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। यदि कोई त्रुटि हुआ है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि अपना सुझाव दर्ज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।